तो गाइस एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई लोग यार स्वागत है आप सभी का कल्चर गेम के एक और नए वीडियो में। तो भाई लोग यार कैसे हैं आप सभी लोग, होप सभी लोग यार बढ़िया होंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं द स्टोरी ऑफ बीबीएफ। तो भाई लोग यार आप सभी के फेवरेट, मेरे फेवरेट बीबीएफ भाई के बारे में, ओके। तो यार आधे लोगों को, मतलब कि 90% लोगों को उनका नाम सही से पता नहीं होगा, तो वो भी बताऊंगा। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग यार सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके नाम के बारे में। तो उनका नाम है अबू तालहा, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। तो भाई लोग यार बहुत सारे बंदों को उनका नाम सही से पता नहीं था, तो यार बड़ी मुश्किल से पुरानी वीडियोस में से मैं निकाल के लाया हूं उनका नाम, ठीक है। तो उनका नाम है अबू तालहा रियल नेम, ओके। तो अब बात कर लेते हैं यार उनके चैनल का नाम बीबीएफ क्यों पड़ा। तो यार ये सबसे बड़ा राज था, ठीक है। तो उनका चैनल का नाम, मतलब कि आप खुद ही सुन लो कि बीबीएफ का फुल फॉर्म होता क्या है, ठीक है। हां भाई, बीबीएफ का मतलब है भाई ब्रदर्स फॉरएवर। तो आपने सुन ही लिया कि बीबीएफ का फुल फॉर्म होता है भाई ब्रदर्स फॉरएवर। तो कि उनका नाम किस तरीके से पड़ा वो भी बताऊंगा। तो अब उनकी एज के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो भाई लोग यार उनकी एज है, मतलब कि एक साल पहले क्यू एन ए में उन्होंने अपनी एज बताई थी 18, और यार इस साल के क्यू एन ए में भी उन्होंने अपनी एज बताई थी 18। लेकिन यार और उन्होंने यूँ भी बोला था कि मैं 18 का ही रहना चाहता हूँ, लेकिन उनकी जो एज है वो हो चुकी है 19 से 20 ईयर्स, ठीक है भाई लोग। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अब यार बात कर लेते हैं उनके चैनल का नाम बीबीएफ उन्होंने क्यों रखा, ठीक है। तो यार भाई लोग यार उन्होंने अपने, मतलब कि फर्स्ट वीडियो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के नाम से बताई थी, ठीक है। तो उनको कुछ भी नाम यार सजेस्ट नहीं आ रहा था, तो यार उन्होंने रख दिया भाई ब्रदर्स फॉरएवर, जो कि वो कॉलेज के साथ दोस्तों के साथ जो मस्ती करते थे वो उसमें डाल दिया करते थे। अब यार उनको मोटिवेशन कहाँ से मिला, जब उन्होंने अपनी पहली वीडियो को यार डाला यहाँ पर उन कॉलेज के फ्रेंड के साथ, तो उन्हें मिल गए वहाँ पर 25 व्यूज़। तो भाई लोग यार जब किसी बंदे को स्टार्टिंग में ही 25 व्यूज़ मिल जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेट हो जाता है वीडियोस को यहाँ पर बनाने के लिए। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और यार फिर उनके फ्रेंड उन्हें यार बेवकूफ़ बनाते थे, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो उन्होंने अच्छा खासा उन्हें मोटिवेशन मिल चुका था, लेकिन यार फिर में उनको यार बीच बीच में अच्छे व्यूज़ नहीं आने लगे, जिसके कारण वो फिर से डिमोटिवेट हो गए। और दो साल में भाई लोग यहाँ पर उनके सिर्फ 600 सब्सक्राइबर्स हुए, ठीक है। तो यार अब फिर बात आती है यहाँ पर, उन्होंने एक चैनल देखा, ठीक है, उन्होंने एक चैनल देखा जिसके ऊपर यार वो चल रही थी, क्या बोलते उसको, बॉलीवुड वर्सेस रियलिटी। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया, और जब वो 2 घंटे बाद उठे, मतलब सो गए वो वीडियो को अपलोड करने के बाद, और 2 घंटे बाद जब उस पर व्यूज़ देखे, तो भाई लोग यार आप भी यार मतलब चकित रह जाओगे, उनके 800, मतलब कि 8000 व्यूज़ आ चुके थे, नॉट 800, 8000 व्यूज़ सिर्फ एक सिंगल वीडियो पे। तो भाई लोग यार ये बहुत ही खुशी की बात होने लगी, और उनके अंदर फिर मोटिवेशन हो गया, ठीक है। और एक वीक के अंदर उन्होंने कंप्लीट कर लिए अपने 1000 सब्सक्राइबर, और उसी वीक के, मतलब कि एक मंथ के अंदर उन्होंने कंप्लीट कर लिया धीरे धीरे करके 10000 सब्सक्राइबर। तो भाई लोग यार यहाँ तक थी उनकी जर्नी। अब यार उनको, मतलब फ्री फायर में कैसे आए, तो वो यार आपको पता ही है उनका यार कितने चैनल्स है। तो यार फर्स्ट चैनल तो है उनका बीबीएफ, जो कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर है। नेक्स्ट जो चैनल है उनका है फीलिंग्स, जिसपे यार अच्छे खासे 5 लाख ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स है। थर्ड चैनल है उनका नूब गेमर बीबीएफ, एंड द फोर्थ चैनल है उनका बीबीएफ इज लाइफ, ओके। तो यार ये चारों चैनल उनके पास हैं, अभी भी हैं, ठीक है। तो यार एक पे तो वो यार यहाँ पर जो है रोस्टिंग करते हैं, तो उसमें उन्होंने बोल दिया था कि यार यहाँ पर फ्री फायर के बारे में कुछ, के यार यहाँ पर आप जाके फ्री फायर ही खेल लो, मतलब कि यार 1GB RAM में चलता है, ठीक है। तो यार उस पे जो है फ्री फायर के प्लेयर जो है भड़क गए थे कि भाई यार क्या नूब है तू, यार खेल के तो देख एक बार फ्री फायर। तो यार उन्होंने फिर यहाँ पर फ्री फायर खेलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो फ्री फायर उन्होंने बहुत अच्छा लगा, उन्हें पबजी से भी अच्छा लगा, ये मुझे नहीं मालूम कि अच्छा लगा कि नहीं, लेकिन यार उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो अभी तक भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो यार इसी तरीके से वो फ्री फायर में एंट्री हुई उनकी, और यार अच्छी अच्छी वीडियोज़ वो बनाने लगे, जिसकी वजह से वो अच्छे खासे प्रमोट हुए, ठीक है। तो यार उनका अंदाज़ बिल्कुल अलग है, जैसे कि आपको मालूम ही होगा, ठीक है। तो भाई लोग यार इस तरीके से वो प्रमोट हुए, लेकिन यार उसके बाद उनके साथ हो गया बहुत बड़ा हादसा, यार उनके मदर की डेथ हो चुकी है अपने 1 ईयर्स पहले, ठीक है, 1 ईयर्स पहले ही। तो यार आपको मालूम ही होगा कि यार मदर की डेथ होना कितना बड़ा बात है, ठीक है। तो भाई लोग यार उनकी मदर के डेथ होने के बाद यार वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए, और यार मतलब उन्हें अकेला अकेला फील होने लगा, ठीक है। तो भाई लोग यार उसके बाद उन्होंने क्या किया कि यार मतलब कि उनके चेहरे पर स्माइल, वो फेक स्माइल रहने लगी, ठीक है। तो भाई लोग यार यहीं तक थी उनकी स्टोरी, क्योंकि यार वो अभी भी यार
उनके भूल नहीं पा रहे हैं उनकी मदर को, ठीक है। तो यार हम सभी को यार क्या करना है कि भाई लोग यार प्लीज़ नेगेटिव कमेंट प्लीज़ मत करो उनके मतलब चैनल पर जाकर, ठीक है। उन्हें यार जितना हो सके प्यार दो, ठीक है, और यार उनको डीमोटिवेट मत करो और यार उन्हें सपोर्ट करो, ठीक है भाई लोग। तो यार भाई लोग यार आज की स्टोरी में यार इतना ही, और यार बहुत ही अच्छे भाई है अपने, तो यार मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है उनका नेचर, ठीक है। तो यार भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड वंदे मातरम, सो टेक केयर एंड बाय बाय।